Mountain. Second half. ब्राकोटी के पास हेमंत ने विंगर को और वहां सुनील को ढूंढने की कोशिश करी गई थी और यहां लंबा एरियल गेंद डाला गया था लेकिन गोलकीपर आगे आए अच्छी एंट्री से दस रन गोलकीपर की और यहां पर एक मौका मिल जाएगा काफी करीब है सुनील और लीजिए और सुनील डांगी जो अमूमन गोल मशीन के नाम से जाने जाते हैं उनके द्वारा कोई गलती नहीं और समर्थकों को यहां ना निराश करते हुए समर्थकों को दिल जरूर जीत लिया है और सुनील जैसा प्लेयर्स को अगर आप अकेले छोड़ देंगे जो बिल्कुल आलमार के खड़े थे उन्हें कोई भी मार्क नहीं किया जा रहा था और सुनील ने आखिरकार एक गोल जो है डाल ही दी। अब ग्राकुटी एफसी एक शून्य की बढ़त बनाई हुई है लेद्रा डी की टीम पर सेकेंड हाफ की मैच आरंभ हो चुकी है और सेकेंड हाफ की आरंभिक क्षणों पर एक शून्य की बढ़त बनाई हुई है ग्राकुटी एफसी एक शून्य की बढ़त नॉकआउट फुटबॉल में काफी मजबूत बढ़त मानी जाती है और यहां पर इक्वलाइजर की तलाश पर निकली है लेद्रानी फिलहाल तो गलती और गेंद हेमंत ने रेफर किया है जर्सी नंबर एक सुनील के लिए फिर से एक बार सुनील गेंद को लेकर अच्छी कंट्रोल के साथ और अपील और इस अपील ले लीजिए मिल गई एक फाउल और काफी करीब थे वहां और एक क्रूशियल मोमेंट एक महत्वपूर्ण जो चांसेस यहां पर मिले हैं मुझे लगता है आउट ऑफ द बॉक्स होंगे हल्का चोटी नजर आ रहे हैं वहां सुनील ऊपर वाले से दुआ होगा कि हल्का चोटिल हो खेल में अक्सर इस प्रकार की जो इंसिडेंट है ये होती रहती है इसलिए मैं हमेशा कहते रहता हूं कि फुटबॉल के लिए जो फिजिकल फिट है ये काफी सुदृढ़ होनी चाहिए आपकी जो फिजिकल फिटनेस ये काफी सुदृढ़ होनी चाहिए और जो फिजिकल में फिट होते हैं वही अक्सर फुटबॉल में हिट होते हैं। लगता है उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है अनेबल होंगे पीछे से उनको टैकल करी गई थी और इस क्रूशियल चांसेस को क्या गोल में कन्वर्ट कर पाएगी ग्राकुटी एफसी की टीम या डीएस ब्रदर्स की टीम इस गेंद का रक्षा कर पाएगी और गोलकीपर की पंच अभी आई जरूर
और किसी तरह गेंद को डिफ्लेक्ट किया कॉर्नर के लिए। अच्छी गोलकीपिंग निलमोहन गोलकीपर की ओर से लेदरागे। फिलहाल तो एक कॉर्नर की चांसेस गड़ाकुटी की टीम को, शॉर्ट कॉर्नर लिया गया वहां। अच्छी मिश्रा और ये जमीनी स्तर से क्रॉस डालने की कोशिश, हालांकि इस बार गेंद ऑफ टारगेट चली गई और किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं, एक नुकसान हो चुकी है लेदरागी के लिए। और इस समय विपरीत और मुश्किल परिस्थितियों पर अपने टीम को किस प्रकार हैंडल करती है गोपी सोय, ये देखना चस्प होगा। हालांकि कई मैचेस में मैंने देखा है कि डूबती हुई नैया को पार दिलाई है गोपी सोय एंड कंपनी, काफी क्षमतावान प्लेयर है। पंचमे किए एक मौका बनेगा वहां फिर से एक बार, लेकिन अच्छी बंटवारा और ये जल्दबाजी किए थी मुकेश और गेंद बढ़ती हुई बिल्कुल गोल पोस्ट से ऊपर। इससे पहले भी मैंने कहा था अगर ये किक क्रिकेट में होता तो यकीनन तालियां मिलती, लेकिन ये किक फुटबॉल में है तो तालियां नहीं गालियां मिलेंगी। फिलहाल अच्छी कंट्रोल गेंद पर, पास और गेंद चली गई लेदरागी के पास, लेकिन बहुत जल्द अपना पोजीशन को खो रहा है लेदरागी की टीम, जबकि इस विपरीत परिस्थिति में गेंद को अपने पास रखने के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रयास करनी चाहिए और पड़ेगी भी। लेकिन जितने जल्द गेंद रख रहे हैं उतनी जल्दी गंवा भी रहे हैं, देखिए काफी खराब रिसीविंग। फिर से एक बार दाएं छोर से अच्छी बंटवारा, हेमंत मौजूद है और हेमंत ने सेंटर मिडफील्डर को सौंपा है गेंद और सेंटर मिडफील्डर ने विंगर के, लेकिन वहां पर विंगर काफी आगे बढ़ चुके थे, गेंद पीछे रहा और खिलाड़ी आगे बढ़ चुके थे, कारण टच लाइन की ओर गेंद लेदरागी। लंबा पास अच्छी कंट्रोल लेकिन खराब पास, और लीजिए यह है सेफ्टी पास की अप्रोच। मैच को सेव रखना है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी है रणनीति है वो इख्तियार करनी पड़ेगी। फिलहाल तो एक और मौका बना रही है वहां, दूर से ली गई की हालांकि एफर्टलेस। मैच बिल्कुल अंतिम पलों की ओर और नतीजा बिल्कुल आपके सामने, गड़ाकुटी फुटबॉल क्लब की टीम 1-0 की बढ़त बनाई हुई है जीएस ब्रदर्स लेदरागी के खिलाफ। और ये जो मंजर है ये यूं ही चलते रहेगी तो क्यों ना हम अगला खेलने वाले दोनों टीमों को फिर से एक बार इन्फॉर्म कर दें। ग्रुप सी से महेंद्रा ग्रुप और उनका सामना करेंगे अंजना फुटबॉल क्लब, महेंद्र ग्रुप एंड अंजना फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट मैच ग्रुप सी से खिलाड़ गोपी और वहां पर जैसे नंबर 2 की अच्छी रन आ रही थी लेकिन गेंद आ लीजिए